सबसे पहले मैं मुझे याद है कि मोहन मते जी और मैंने हमने सब ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के पास ताजुद्दीन बाबा के इस भव्य निर्माण के लिए निधि मांगा था और हमने प्लान भी तैयार किया था। यहाँ का सांसद होने के नाते मेरे मन में जनता का तो प्रेम मिला ही है, पर उसके साथ साथ मेरे परिवार में भी ताजुद्दीन बाबा के प्रति एक श्रद्धा रही है। मेरी माँ और पिताजी भी यहाँ काफ़ी बार दर्शन के लिए आते थे। बाबा का आशीर्वाद केवल किसी धर्म के लोगों को नहीं था, वो पूरे मानवता के लिए था, और इसलिए बाबा के जो भक्त अलग अलग प्रकार के थे। मैं जब बचपन में चिटनिस पार्क के बाजू में जो बड़कस चौक जिनके नाम से वो बड़कस जी का मकान था, उनके घर में हमारे रिश्तेदारी भी थी, तो उनके पूजा घर में एक बहुत बड़ा बाबा ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, और तब मुझे माँ ने मुझे उनके प्रति पूरा इतिहास बताया था। बाबा के विशेष रूप से इसमें रघुजी राजे भोसले, ये जब हमारे नागपुर के राजे थे, वो भी विशेष रूप से बाबा के अनुयायी थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के रूप में ये बाबा का स्थान सबके लिए आदरणीय और पूजनीय था। मुझे याद है कुछ दिन पहले हमारे फिल्म एक्टर संजय खान मेरे पास मिलने के लिए नागपुर से आए थे, और वो भी मुझे पूछ रहे थे ताजुद्दीन बाबा जी का, और कहता रहे थे कि मैं यहाँ आकर दर्शन करके गया हूँ। एक प्रकार से ये जो स्थान है, इसके प्रति पूरी मानव जाति और समाज की श्रद्धा है, और इसलिए यहाँ की पवित्रता कायम रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए ट्रस्टी के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई, और जब मुझे मिलने के लिए आए, तब मैंने उनको एक उदाहरण बताया, और उदाहरण था गजानन महाराज संस्थान का, शेगांव का। और जब जब भी इतना अच्छा संस्थान है वो कि देश में 80 संस्थानों में से एक है, और मैंने उनको कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे, अभी उनका देहावसान हो गया, उनका बच्चा काम करता है पुरुषोत्तम पाटिल, तो मैंने उनको कहा कि मैं जब जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर में मेरा सत्कार होता था, मैं चाय पीता था, पानी पीता था, पर पुरुषोत्तम पाटिल उस मंदिर में पानी भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। पूरे जीवन भर वो गजानन महाराज के संस्थान में सेवा करते रहे, और उन्होंने जन्म भर में वहाँ पानी तक मंदिर में नहीं पिया, इसका उदाहरण मैंने प्यारे खान जी को बताया। और मैंने उनको आग्रह से एक प्रार्थना की कि आप यहाँ काम करने वाले हैं आपके ट्रस्टी और आप, और मैं आपको बता तो भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है, और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूँ कि मैंने भी जीवन में तय किया है कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे दे के कोई काम कर सका, ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता, ये इतिहास है। दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहाँ माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के सज्जन लोग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। जो दिव्यांग है, जो भीख मांगने के लिए काम करते थे, बेघर थे, उनके लिए बाबा के आशीर्वाद से हमने व्यवस्थाएं की है, लंगर चलता है। हमारे यहाँ तुकाराम महाराज जो है, जिनके प्रति हम सबको श्रद्धा है, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए,
जिनको रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ऐसी स्थिति जिनकी है, उन लोगों की सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, अल्लाह की सेवा है, भगवान की सेवा है, इसी बात पर हमारा विश्वास है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी एक डेढ़ महीने पहले हमने 40,000 लोगों को, दिव्यांगों को, जो जिनके हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, उनके और म्यूनिसिपल कमिश्नर के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने वयोश्री योजना के अंदर महंगे महंगे उपकरण उनको दी, दांत दिए, चश्मे दिए, व्हीलचेयर दी। मैंने अपने एमपी फ्रेंड से 50 लाख रुपए देकर मोटराइज साइकिल दी और हमने उनके सबके लिए इतने बड़े प्रमाण पर कैंप हुए और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो एक प्रकार से वो कार्यक्रम देखकर हमारे आंखों में आंसू आए, क्योंकि उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला और यही भगवान की सेवा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आज भी हमारे यहाँ लंगर में गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, वो बाबा के आशीर्वाद से खाना मिलता है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे DCP नरुल हसन को याद कर रहा हूँ, और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था, आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। हमारे पेटी में जब मैं चुनाव, तो वैसे 3.5 लाख वोटों से जीता, यहाँ पेटी में वोट नहीं पड़े ज्यादा। तो यहाँ गुलाब के हार बहुत बड़े बड़े पड़ रहे थे, फूल आ रहे थे, तो मैंने कहा चुनाव के दिन कहाँ चले गए थे। मजाक में कहा था, वोट किसको देना आपका अधिकार है, मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है। हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे, और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूँ। मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ, सहृदयता की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ, गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट बांटे, अनेक मुस्लिम समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी आए, सभी जाति के आए, और हमने ये, मैंने तो बिल्कुल तय कर दिया, मैं वैसे बोलने में बहुत साफ हूँ, जो देगा वोट देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने थोड़ी ठेका लिया जन्म भर आपका सांसद बनने का, और कोई नहीं आएगा, पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे NCP, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, जब देवेंद्र जी को हमने ये बात कही तो एक मिनट में उन्होंने इसको स्वीकृति दी और ये इतना बड़ा निधि उन्होंने मंजूर कर दिया। मैं नागपुर के सांसद होने के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बावनकुड़े जी यहाँ नहीं है, विकास कुमारे और मोहन मते जी है, हम बावनकुड़े जी और मैं मिलकर देवेंद्र जी को हमने आग्रह से कहा था, छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है, वहाँ झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे, कोर्ट से स्टे लाया, नहीं तो वो भी काम कर दे। हम बाबा के प्रति श्रद्धा था, सब काम इतना पवित्र और अच्छा काम हुआ, और वैसे मैं ठेकेदारों की ठोकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूँ, मैं कोई संकोच नहीं करता, हम तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मुझे आज खुशी है
मैं अशफाफ जो हमारे आर्किटेक्ट है, आप जोरदार ताली बजिए, जोरदार, इतना सुंदर डिजाइन किया है उन्होंने, उसका अभिनंदन करिए। मैंने उनको अम्बोरा का भी काम दे दिया है, अम्बोरा का भी काम वो करने के लिए उनको दिया है, और बहुत अच्छा सुंदर, उनने इतनी पवित्रता, इतना सुंदर डिजाइन किया। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो दोनों तीनों भाई में से दो भाई है, उनका लड़का यहाँ आया था शर्मा, बेचारे ने इतना अच्छा काम किया, उसमें से जो प्रमुख थे वो आज नहीं है, पर मैं उनको याद कर रहा हूँ, और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, इतना अच्छा डिजाइनिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, और बाबा का सही में जो पवित्रता के साथ उन्होंने भी काम किया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। देखिए, मैं एक एक पत्थर और काम में कहाँ खोट दिखती है वो देखने की कोशिश कर रहा था, तीन चार बार आया, कहाँ कमी लगती है और कहाँ ठुकाई करती है, इनकी यही देखता था, पर मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सब पूछा, पत्थर कहाँ से लाया, कैसा किया, सब बार कैसे देखा है। मैं NIT का, उनके अधिकारियों का, शर्मा जी का, अशफाफ का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अभी आने वाले समय में हमारे प्यारे खान जी ने, उन्होंने मुझे कहा, और भगवान की उनके लिए भी बहुत कृपा है, ताजुद्दीन बाबा की, वो भी करोड़ोंपति है, अब कितने हजार ट्रक है तुम्हारे पास, जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे 1,000 के 10,000 बन जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप चिंता मत करिए, 2-4-5 करोड़ मैं अपने तरफ से यहां दान करूंगा, पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करूंगा, और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। अब यहां बहुत बड़ी जगह है, अब बाबा का ये सब जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है, अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने पैराकान को कहा, कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो, पर एक बात है कि गरीबी गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी है। और आज इसलिए मैं NIT चेयरमैन साहब को और प्यारे खान जी को ये कहूँगा कि यहाँ जितने लोग बसे हुए हैं 4-5 एकड़ में, या अशफाफ जी से अंडरग्राउंड पार्किंग से एक बड़ा मार्केट एरिया डिज़ाइन करो, और यहाँ जितने लोग बैठे उनको कॉस्ट प्राइस पर, जो अतिक्रमित हो, जो भी, उसकी लिस्ट तैयार करो। जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े शॉप कॉम्प्लेक्स बन रहे कॉरपोरेशन के, हमने सबको दिया है और उनको सस्ते में दिया है, जो बहुत महंगा है उसमें बिल्कुल कम प्राइस में उनको दिया है। हम सबको यहाँ उनके पेट पानी के लिए जो भी धंधा पानी करना है उसकी जगह देंगे, और मेरा सपना है आप सब लोगों की अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे, कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ खुले और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। और आज आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा का नाम लेकर सेवा करने का काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अभी हमारे यूनानी वाले भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि यह सब प्रकार की जितनी पैथी है उससे गरीबों की सेवा करने वाला बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल, और संभव हुआ तो मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आप जाइए, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के गरीबों की सेवा निःशुल्क होगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो है कि हमारी माँ बहनें हैं, अभी मैंने एक बुनाई का काम पाजगांव में शुरू किया, 1200 महिलाएं काम करती है, अब 10-10-12 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। हमारी जो बहनें हैं यहाँ, माताएं हैं, नक्शी काम करती है, अनेक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट की सरकार की योजना है, यहाँ के बच्चों को भी अच्छा सिखाया जा सकता है, कंप्यूटर सिखाया जा सकता है। मैं जब MLA था तो यहाँ के स्कूलों को मैंने कंप्यूटर दिए थे। देखिए, भगवान की भी सेवा करें, अल्लाह की भी सेवा करें, पर पेट पानी के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए यहाँ हमारे युवा भाई और बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनके स्किल को डेवलप करने की भी कोई योजना यहाँ होगी तो उन लोगों को काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा।
और इसलिए मुझे लगता है कि हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये अभी देखो हमारे गजानन महाराज संस्थान ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है बड़ा, और परसों मैं हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में गया था, पूरे पहाड़ी थी, और वहाँ का एमएलए जो था, एमएलए के लिए उम्मीदवार था, उसने मुझे बताया, नितिन जी मैं डॉक्टर बनाऊँ, मेरी शिक्षा शेगांव के मेडिकल कॉलेज में हुई है, वो वहाँ मिला मुझे। आज मुझे ये लगता है कि पैरे खान जी के ईमानदार नेतृत्व में और ट्रस्टी लोगों के सहयोग से अगर संभव हुआ तो यहाँ का बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, गरीब के घर में नहीं तो है चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, पांचवा धंधा नहीं होता, क्यों नहीं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अफसर बने। तो ये भी प्रयास के लिए मदद की जा सकती है, और इसके लिए हम आप योजना बनाइए ट्रस्ट में, हम देवेंद्र जी के पास जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी कृपा अभी जताई है कि सेकंड फेज को भी मैं पैसे दूंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये सेकंड फेज का काम ईमानदारी से होना चाहिए, और भ्रष्टाचार तो होया सवाल ही नहीं, बाबा का काम है, और ऐसे इसमें इस परिसर को अच्छा बनाने का एक आह्वान हमारे ट्रस्टी के पास भी है, और उसके साथ साथ विशेष रूप से ट्रस्टियों के साथ साथ पैरे खान जी के ऊपर भी जिम्मेदारी है, और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग उनको चाहिए। देखो जो कुछ अच्छा काम होगा आपके लिए होगा, अगर आप चाहेंगे तो करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ये आपके भलाई के लिए ही करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि यह खादिम जो है वो भी मेरे पास बहुत बार आते थे, उनका भी पेट इसके ऊपर चलता है, उनकी भी चिंता करनी चाहिए ताकि ट्रस्ट में उनको भी रोजी रोटी मिले और वो भी ईमानदारी से सेवा करे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए, और ट्रस्टी उसकी चिंता जरूर करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। जो जो इस ताजुद्दीन बाबा के आशीर्वाद से यहाँ जी रहे हैं उनका जीना और अच्छा हो, सुसह्य हो, यहाँ के गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, ता बाबा के आशीर्वाद से उनको अच्छी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएँ मिले, और ये परिसर सुंदर हो। आखिर में एक बात मैंने भी की है कि आमदार मोहन मते जी के विशेष आग्रह पर, विकास कुंभारे जी के आग्रह पर, मैं अभी अगले महीने ही देवेंद्र जी की उपस्थिति में एक पुल का भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। वो कमाल टॉकी चौक से इंदौरा से शुरू होगा और सीधा हमारा जो नाग नदी के ऊपर जो अशोक चौक है वो सिग्नल मुक्त होगा, ऊपर के ऊपर रोटरी बनेगी, और मोहता साइंस कॉलेज के सामने वाला पुल दोनों बाजू से तोड़कर वो पुल दौड़ते हुए ताजबाग के आगे उतरेगा। तो अब बाबा का दर्शन करने के लिए शहर से आने के लिए आधा पौन घंटा लगता था, अब 5 मिनट में आना संभव हो जाएगा। और जो मोहन मते और हमारे विकास कुंभारे जी ने बहुत ताकत लगाई, मैं सोच रहा था करूँ नहीं करूँ, पर इससे निश्चित रूप से उपयोग होगा। अब नीचे का रोड जो है वो अच्छा रखो, ज़्यादा सामने आओ मत, नहीं तो रस्सी लगा के पूरा तोड़ूंगा, होट दिया तो चलेगा, नहीं दिया तो चलेगा, ज़्यादा अतिक्रमण सामने मत करो, याद रखो आप। अब वहाँ जनता में एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, वहाँ किसी को क्रॉस करना है तो रोड अच्छा रखो ताकि हम उनके धंधे भी चले, अंदर में भी मार्केट तैयार हो, उनकी भी रक्षा हो, और ये परिसर सुंदर बने, और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए बाबा का, केवल हिंदुस्तान से नहीं आते, तो इसकी पवित्रता, इसका वैभव ऐसा ही बढ़ता रहेगा, ये कोशिश हमारे ट्रस्टी पैरे खान जी के नेतृत्व में करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैरे खान जी और उनके ट्रस्टी बोर्ड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन का तो एक बार खड़े हो जाइए, और आप सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए, ये अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इनके नेतृत्व में और अच्छा काम होगा, यहाँ के गरीबों का भला होगा, माँ बहनों की रक्षा होगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, और बाबा की श्रद्धा के साथ भक्ति करके ये परिसर केवल नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र का नहीं तो दुनिया के आकर्षण का एक पवित्र स्थल करके अभी भी इसको मान्यता है, आगे भी मिलेगी, इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार बाबा के चरणों में झुककर उनको अभिवादन करता हूँ, और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमें गरीबों की सेवा करने के लिए ताकत दे, शक्ति दे,
और हमारे हाथ से सभी गरीबों का भला हो, ऐसी शक्ति देकर वो कार्य करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।